धर्म के नाम पर औरतों के शोषण का सिलसिला हजारों वर्षों से जारी है। आज भी ना जाने कितने बाबा, स्वामी और धर्मगुरु बड़े बड़े सेक्स स्कैंडल में फंसे हुए हैं। मीडिया में रोजाना इनके काले कारनामे उजागर होते ही रहते हैं। देवदासी हिंदू धर्म की एक बहुत ही पुरानी प्रथा है। देवदासी का मतलब है देव की दासी यानी देव की पत्नी। भारत के कुछ क्षेत्रों में, खासकर दक्षिण भारत में, महिलाओं का धर्म और आस्था के नाम पर शोषण किया गया। सामाजिक और पारिवारिक दबाव के चलते ये महिलाएं इस धार्मिक कुरीति का हिस्सा बनने को मजबूर हुई। इतिहासकारों के अनुसार देवदासी प्रथा लगभग 6वीं सदी में शुरू हुई थी। ऐसा माना जाता है कि अधिकांश पुराण भी इसी काल में लिखे गए। कुछ लोग भगवान से मन्नत मांगते हैं और वो मन्नत पूरी होने पर जो लड़की होती है उसे भगवान को छोड़ते हैं और उसकी भगवान के साथ शादी रचाते हैं, और वो तब से देवदासी के नाम से जाने जाती है। तब से वो मंदिर में, समाज में सिर्फ नाचने के लिए ही रह जाती है। वो नहीं स्कूल जा सकती है और नहीं दूसरे किसी के साथ शादी भी कर सकती है। मेरे वल्ले गांव से 10 किलो अंतर में जो जेजोरी गांव है, उस गांव में जो देवदासी समूह है, वो आज भी भगवान और समाज के कारण शिक्षण से वंचित है। देवदासी प्रथा के अंतर्गत महिलाओं और कुंवारी लड़कियों को धर्म के नाम पर मंदिरों में दान कर दिया जाता था। उनका विवाह मंदिर के देवता से करा दिया जाता था और यहीं से शुरू होती थी इन महिलाओं और कुंवारी कन्याओं के शोषण की कहानी। इन देवदासियों के साथ मंदिर के पुजारियों ने यह कहकर शारीरिक संबंध बनाने शुरू कर दिए कि इससे उनके और भगवान के बीच संपर्क स्थापित होता है, और धीरे धीरे यह उनका अधिकार बन गया जिसको सामाजिक मान्यता भी मिल गई। इन देवदासियों को मंदिरों की देखरेख, साफ सफाई के साथ साथ मंदिरों में नाचने के अलावा पुजारियों और प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ हमबिस्तर होना पड़ता था। कालिदास द्वारा लिखे गए काव्य मेघदूत में भी मंदिरों में नृत्य करने वाली आजीवन कुंवारी कन्याओं का वर्णन मिलता है, जो शायद देवदासियां ही रही होंगी। इसके अलावा मत्स्य पुराण और विष्णु पुराण में भी देवदासी प्रथा का उल्लेख मिलता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये भी है कि ज्यादातर देवदासियां समाज के गरीब और निचले तबके से आती थी। प्रसिद्ध लेखक दुबोइस ने अपनी पुस्तक हिंदू मैनर्स, कस्टम्स एंड सेरेमनीज में लिखा है कि प्रत्येक देवदासी को मंदिर में नाचना गाना पड़ता था, साथ ही मंदिरों में आने वाले खास मेहमानों के साथ उसे सोना पड़ता था। गूगल सर्च करने पर आपको बहुत सारे लेख और खबरें इस बारे में मिल जाएंगी। इस मुद्दे पर कई फिल्में और डॉक्यूमेंट्रीज भी बन चुकी हैं। लेकिन बड़े ही आश्चर्य की बात यह है कि भारत में इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित किए जाने के बाद भी दक्षिण भारत के कई मंदिरों में यह प्रथा अभी भी जारी है। वहीं सरकारें भी इस प्रथा पर पूरी तरह रोक लगाने में नाकाम साबित रही हैं। फरवरी 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए थे कि किसी भी तरह इस प्रथा पर पूरी तरह रोक लगाई जानी चाहिए। 23 फरवरी 2015 के टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक खबर के अनुसार तेलंगाना और आंध्र प्रदेश केवल दो राज्यों में ही 80,000 देवदासियां अभी भी मौजूद हैं। देवदासी प्रथा का सबसे अधिक चलन कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गोवा और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे देश में इन देवदासियों की संख्या कितनी होगी। हमारे देश में जहां एक ओर महिलाएं कार, ट्रेन, मेट्रो से लेकर हवाई जहाज तक उड़ा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ महिलाओं का एक तबका इस देश में आज भी देवदासी के रूप में मौजूद है, जिससे एक ही देश के अंदर इंडिया और भारत के बीच का अंतर पता चलता है। उम्मीद करनी चाहिए कि सरकार इस देवदासी प्रथा को पूरी तरह बंद करेगी और इन देवदासियों के पुनर्वास पर भी कोई विचार करेगी। अगर आपको भी हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके लिए वीडियो के नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें।